इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग की लैब लैब नंबर 4। अभी तक 3 लैबें हो चुकी हैं, आज की चौथी लैब है जिसमें हम क्या करते हैं क्लोराइड कंसंट्रेशन ऑफ वाटर सैंपल का हमें क्या करना है क्लोराइड टेस्ट करना है। क्लोराइड टेस्ट करने के लिए हमें सबसे पहला काम हमारा जो होता है रिएजेंट तैयार करना है ना। तो रिएजेंट हमें क्या क्या चाहिए ये पता करना होगा। तो सबसे पहला हमारा जो रिएजेंट है वो हमें चाहिए पोटेशियम क्लोरोक्रोमेट रिएक्टर है ना। उसके बाद हमें एक सोलूशन चाहिए जिससे हम क्या कराते हैं हमेशा टाइट्रेट करते हैं। तो जो चाहिए सिल्वर नाइट्रेट। ठीक, ये क्लोराइड हमने पहले भी बताया है कि वाटर में कई सारे मटेरियल्स होते हैं मिनरल्स होते हैं है ना। तो सबका अलग अलग टेस्ट करते हैं, जैसे अभी तक एल्कलिनिटी एसिडिटी और पीएच सब कुछ याद कर सकते हैं, ऐसे हमारा क्लोराइड भी होता है ना। तो हमें क्या करना है हमारे वाटर सैंपल में जो क्लोराइड की कितनी क्वांटिटी है ये पर लीटर हमें पता लगाना है। इसे टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं पोटेशियम क्रोमेट रिएक्टर का यूज करते हैं और सोल्यूशन क्या है हमारा सिल्वर नाइट्रेट जिसकी नॉर्मलिटी जो है 35.5 है ना। 35.5 सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन लेंगे और पोटेशियम क्रोमेट रिएक्टर जिसके साथ साथ हम क्या करेंगे क्लोराइड का टेस्ट करते हैं। आप चलते हैं अपने फील्ड की ओर। हम ये हमारा जो है फैक्टर स्टार्ट करने से पहले जानकारी ले लेते हैं, ये हमारा ब्यूरेट स्टैंड है जिसमें इसको ब्यूरेट कहते हैं। ये जो है हमारी ये फनल लगी हुई है। ठीक, ये हमारा मेजरिंग सिलेंडर है जो पहले भी जानकारी में पता होगा आपको। और ये हमारा इंडिकेटर है पोटेशियम क्रोमेट इंडिकेटर है और ये सिल्वर नाइट्रेट N35.5 का हमारा सिल्वर नाइट्रेट है सोल्यूशन जिसकी सहायता से हमें क्या करना है टाइट्रेशन करवाना है। ये हमारे होते हैं कॉनिकल फ्लास्क जिनको हम क्या करते हैं अच्छे से धुल देते हैं। फिलहाल ये धुले हुए हैं, हम साफ कर देंगे। और जब भी हम टेस्ट करते हैं अपने ब्यूरेट को हम क्या करते हैं पहले साफ कर लेते हैं डिस्टिल वाटर की सहायता से। ताकि इसमें कोई पहले से केमिकल जो हो साफ हो जाए। ठीक, अब हम क्या करेंगे क्लोराइड की मात्रा ज्ञात करने के लिए सबसे पहला काम है हमें 50 ml सैंपल लेते हैं और 50 ml क्या करते हैं डिस्टिल वाटर देते हैं। मेजरिंग सिलेंडर जो है धुलेंगे अच्छे से। अब हम क्या करेंगे 50 ml सबसे पहले डिस्टिल वाटर लेंगे। अब देखिए हमारा डिस्टिल वाटर जो है 50 ml हो चुका है। अब इसको एक कॉनिकल फ्लास्क में उलट देंगे। ये हम ध्यान देंगे किसमें हमारा डिस्टिल वाटर है और किसमें हमारा सैंपल है। 50 ml हम क्या करेंगे अब सैंपल ले लेंगे। सैंपल के रूप में हम टैप वाटर का ही यूज कर लेंगे। 50 ml देखो हो गया है। एक फ्लास्क में हमारा टैप वाटर है और दूसरे में हमारा डिस्टिल वाटर है। अब हम क्या करेंगे ड्रॉपर की सहायता से 0.5 ml डिस्टिल वाटर में हम डालेंगे। और टैप वाटर में डालेंगे। ये जो हम इंडिकेटर डाल रहे हैं इसका नाम है पोटेशियम क्रोमेट। अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर देते हैं। क्या करेंगे अच्छे से मिक्स कर देंगे। दोनों का कलर सेम आ रहा है। हम अपने ब्यूरो को अच्छे से कर लेंगे
और इसमें जो हमारा ये सोल्यूशन है N35.5 सिल्वर नाइट्रेट, इसको हम क्या करेंगे हमल की सहायता से फिल कर लेंगे। हम देख लेते हैं जो रीडिंग यहाँ पे दिखा रही है जीरो पर होनी चाहिए, जीरो से कम भी होगी तो हम इनिशियल रीडिंग नोट कर लेंगे, मगर जीरो से अगर ज़्यादा है तो हम इसको क्या करते हैं कम करके जीरो कर लेते हैं। जीरो होने के बाद अब हमारा काम है क्या कहेंगे, टैप वाटर में हम अपना सॉल्यूशन का क्या करते हैं टाइट्रेशन करवाते हैं। टाइट्रेशन करने पे जस्ट चेंज कलर, ये देखो ये हमारा क्या है डिस्टिल वाटर है, इसका कलर और इसका कलर जैसे ही चेंज होता है वो रीडिंग हम यूज नोट कर लेते हैं कितने ml हम अपना सिल्वर नाइट्रेट यूज किए हैं। ठीक, टाइट्रेशन आराम से करवाते हैं ताकि जो हमें सही रीडिंग आ सके। अब देखो हमारा कलर चेंज हो रहा है ना, हम क्या करेंगे इसको अब बंद कर देंगे। अब देखते हैं हमारा कलर चेंज हो गया, जैसे कलर चेंज हुआ है हम अपनी रीडिंग नोट कर लेंगे कि हमने सिल्वर नाइट्रेट कितना यूज किया। तो ये रीडिंग जो आ रही है हमारी 2 ml आ रही है, देख लो ये जो है 2 ml रीडिंग आ रही है ना, हम जितना यूज किए हैं नोट कर लेंगे। अब बाकी की कैलकुलेशन अब हम क्या करेंगे, जो हमारी क्लोराइड की क्वांटिटी है ये निकालने के लिए mg पर लीटर में निकालते हैं। तो फार्मूला क्या है, क्लोराइड mg पर लीटर यूज इन ml एजी एन ओ थ्री हमारी क्या है सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन जो था जितना हम यूज किए हैं × 1000 अपन क्या होगा वैल्यू ऑफ सैंपल। हमने कितना यूज किया था 2 ml × 1000 अपन 50, ये क्या आ जाएगा 40 mg/L। ठीक, ये हमारी क्या आ गई क्लोराइड mg/L। ऐसे ही हम क्या करते हैं हर एक टेस्ट में एक स्टैंडर्ड होता है IS, जो हमारे पीने योग्य वाटर है उसमें हम क्या करते हैं एक IS कोड के अनुसार एक लिमिट दी हुई होती है कि कितनी लिमिट हम किस में यूज कर सकते हैं। मान लो क्लोराइड की इतनी क्वांटिटी हम यूज कर सकते हैं या एल्केलिनिटी की इतनी क्वांटिटी का अगर वाटर है इतनी क्वांटिटी तक वाटर है तो हम क्या करेंगे हम यूज कर पाएंगे, इसके अलावा है इससे ज़्यादा है तो हम क्या कहेंगे पीने योग्य हमारा वाटर नहीं है, है ना। तो यही कारण है हम क्या करते हैं क्लोराइड का टेस्ट करते हैं। ठीक, आज की क्लास कंप्लीट हो गई है, थैंक यू।